नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कल एक नोटिस आया था रांची बोर्ड की तरफ से। आप देख सकते हैं 26/10/2022 को ये नोटिस आया था, जो इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रांची की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जोन होंगे जहाँ पे इस तरह के सिचुएशन क्रिएट हुए होंगे। एक्चुअली जो आपका मेडिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि बीपी को लेके थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी, लेकिन मेजरली इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आप कह सकते हैं कि ग्रुप डी के संदर्भ में नहीं दिया देखा जाता। बट जो आपके लेवल 6 के जॉब हैं, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मेडिकल फिटनेस वहाँ पे ज़्यादा मांगा जाता है, इस वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, चीज़ें डिपेंड करती है कौन सा जोन में ऐसा किया जा रहा है। हर एक जोन में ऐसा नहीं किया जा रहा है कि बीपी को एक प्रॉब्लम के तौर पे लिया जाता है। जैसे एएलपी की ही हम बात करें तो मुंबई जोन में पिछली बार ऐसा हुआ था, शायद मुंबई में ही, कि वहाँ फ्लैट फुट भी चीज़ें मांगी गई थी कि फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता जोन पर और डिपेंड करता मेडिकल कमेटी पर कि वो किस तरह के जो डिमांड है वो कैंडिडेट से रखते हैं। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में ये चर्चा करने वाला हूं कि जो ये आपका तो जो ये यहां पे आप देखिएगा कि कुछ लोगों को, यानी कि 3 लोगों को रांची जोन में जो है वो अनफिट कर दिया गया है। अनफिट इस इन द सेंस कि ये लेवल 6 के जॉब के लिए फिट नहीं है, और भी जो लेवल है उसके लिए ये फिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे रिमार्क में जो चीज़ें दी गई है कि A2 के लिए ये फिट नहीं है, और कौन से जो मेडिकल कैटेगरी है उसमें फिट है। तो इनको ये बोला गया है कि अगर आप, हालांकि ये लेवल 6 के लिए गए थे मेडिकल देने और इनको लेवल 6 में मेडिकल में जगह नहीं मिली, लेकिन इनको एक मौका दिया गया है अपील करने का। और अपील करने के लिए देखिएगा टाइम दिया गया है कि 25/11/2022 यानी कि नवंबर 25 तक आपको अपील करनी है। तो इसका मतलब हम जो निकाल रहे हैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके जो 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो अगर अपील करते हैं और अगर सही पाए जाते हैं तो इनका सीट फिर से इनके द्वारा फुलफिल होगा, नहीं तो ये आपके दूसरे जो आप कह सकते हैं कि लोग होंगे उनके लिए यहाँ पे फिर से आप कह सकते हैं मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, या आप कह सकते हैं पैनल जारी किया जाएगा। तो इससे डिले होने की संभावनाएं ज़्यादा है कि आपके लेवल 5th के जो नोटिस है वो थोड़ा सा डिले होंगे, क्योंकि यहाँ पे बिना सीट फुल किए हुए और भी बच्चों को नहीं बुला सकते हैं। अगर लेवल 5 के बच्चों को बुला लिए और लेवल 6 भरा ही नहीं, तो फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये टोटल कहने का मतलब ये है कि कम से कम तो अब इस नज़रिए से देखें तो काफ़ी समय लग सकता है लेवल 5 के रिजल्ट निकालने में, रिजल्ट इन द सेंस कि पैनल निकालने में, क्योंकि जब तक वो लेवल 5 के 6 के बच्चे भर नहीं लेते हैं। देखिए, इनको जब नहीं बुलाया गया यानी कि इनको रिजेक्ट कर दिया गया, सॉरी, तो अब क्या होगा कि लेवल 5 में जो बच्चे ऑलरेडी हैं उनसे पिक करके लेवल 6 को भरा जाएगा, उनको मेडिकल के लिए बुला के लेवल 6 को भरा जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ें लंबा खींचने वाली है। और एक बार लेवल 5 का आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है, लेवल 6 में दिक्कत है, क्योंकि लेवल 5 में टाइपिंग के पोस्ट हैं और टाइपिंग लेवल 2 में भी है। तो इस तरीके से देखें तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, आपके नवंबर तो पूरा खींच जाएगा, उसके बाद मुझे लग रहा है दिसंबर में ही लेवल 5 के जो भी पैनल है वो जारी करने की संभावनाएं हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।